ये परमहंसों की सत्ता है साहब, बैराग की सत्ता है। सरकार समझ में आ गया तो कितने दिन की होती पुलिस सप्ताह? ठीक है सरकार, कहां होनी? हरिद्वार पहुंच गए, चार गद्दी लगाई गई, चार गद्दी पर सुनने वाला राजेंद्र, सुनने वाला एक और कहने वाले चार, चार गद्दी लगाई गई। ये गद्दी नहीं तो सुखासन, दुखासन, बालू की रेत की गद्दी लगाई गई, उषा की चटाई। चारों ऋषि बैठे सामने कुसा की चटाई पर, नारद बाबा रेत की भूमि पर, गोमती नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर बैठे, आनंद वन हरिद्वार बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई तो महाराज सुंदर सुंदर दिव्य कथाओं का वर्णन किया, भगवान को प्रणाम किया और वर्णन करते हुए एक सुंदर से दिव्य कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नाम की नदी है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, ऐसी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है जिसको सुंदर नगर भी बोलते हैं और उत्तम नगर भी बोलते हैं। एक जगह सुंदर नगर भी लिखा है, तो उस सुंदर नगर का मतलब जो सुंदर गांव हो उसे सुंदर नगर, उत्तम नगर का मतलब जो उत्तम लोग बसते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, एक पंडित जी रहते हैं उसमें जिनका नाम है क्या? आत्मदेव। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, आत्मदेव के तीन अर्थ हैं। एक जो आत्मा से देवताओं को याद करता हो, भगवान को याद करता है, एक आत्मा में भगवान को बुला करके बिठा लिया हो, आत्मा में दर्शन करता उसका नाम आत्मदेव। एक आत्मा से देवता को रिझाने का प्रयास करता है उसका नाम है आत्मदेव। पंडित जी का तो बड़ा बढ़िया 18 पुराण के ज्ञाता है, बढ़िया कथा करते हैं महाराज, सब कुछ है पंडित जी के, पर तुलसी का पौधा आता है घर में वो भी सूख जाता है, एक गाय है वो भी बछड़े को जन्म नहीं देती, बांध है, पड़तानी को भी कोई संतान नहीं है, तीसरा पन आ गया है। कौन सा पन? तीसरा पन। कहना चाहते हैं महाराज कुछ भी नहीं है संतान, पंडतानी जी का नाम बड़ा सुंदर है, कहो तो बताओ। पंडित जी का भाव इतना सुंदर है कि सबको हाथ जोड़ के चलते हैं, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। और ब्राह्मण का यही कर्तव्य भी है, वेद कहता है इदानं प्रसन्नं मधुराश्च वाणी, दानं प्रसन्नं मधुराश्च वाणी। ब्राह्मण को दान से प्रसन्न हो जाना चाहिए और मधुर वाणी में आशीर्वाद देना चाहिए। तो बोले ना प्रसन्न हो तो बोले असंतुष्टा दिदानष्टा संतुष्टा चा महीपति साधन जागर का नष्टा। असंतुष्ट जिसका विनाश हो जाता है। पंडित जी बहुत सुंदर, लेकिन पंडतानी नाम है धुंधली, धुंधली माने कोहरा, देखते ना धुंध पड़ जाती है, गाड़ियां लड़ जाती है आपस में, सामने वाला नहीं दिखाई देता, उसका नाम धुंधली देवी। और धुंधली देवी धुंध, जिसकी आग पर धुंध का माया का पर्दा पड़ा, धुंधली देवी। और ऐसी है धुंधली देवी साहब कि पड़ोसी से जब तक एक एक टक्कर ना हो जाए तब तक पंडतानी जी को चयन नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन पंडित जी उसके बाद क्षमा मांगते हैं, मेरी पंडितनी से भूल हो गई, क्षमा कर देना। एक दिन पंडित जी को लगा कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं लगता, गौ माता
मैं तेरा जीवन बेकार है, आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। और सबसे बड़ा पाप जीवन में कौन सा होता है? आत्महत्या करना। क्यों? आप जीवन दे नहीं सकते और तो आप जीवन ले नहीं सकते। आप ये किसी की धरोहर है आपके, जो दिया है ना ये फ्री में मिला साहब, फ्री में। समझो भगवान ने इसके बदले में क्या दिया। अच्छा चलिए ठीक है, बोलो साथी दरबार कीजिए। एक टांका लगता है, मानो कहीं आपका कान ऑपरेशन हुआ तो वो टांका लगेगा, लेकिन पूरी जिंदगी वो टांका दिखाई देगा। अच्छा भगवान का भी कहीं टांका लगना है राजेश जी? कहीं आंख में लगा हो, कहीं कान में कोई जोड़ा हो, कहीं पर कहीं एक आध सूत लगा हो या उंगली में, कहीं कोई टांका लगा हो। कितनी मुश्किल से ठाकुर जी ने आपको बनाया साहब। कभी अपने दिल से पूछो कि भगवान ने आपको ये जो गाड़ी आप चलाते हैं ना, लाइट चला देते हो, ये बत्ती बाहर में बनी, पहले ये बत्ती आपके कार की बत्ती बनी। ये फ्लाई ओवर जो पंजाब का आगे बरसाने वाला है, ये बाद में बने, पहले आपका फ्लाई ओवर। यहाँ लाल बत्ती लगी, ध्यान से देखना, यहाँ लाल बत्ती लगी बीच में, जिसको तुम लोग कहते हो कौवा, ये लगी। खाना इधर, पानी इधर, और पुल कैसे बना? अंदर। अच्छा, जिस दिन पार्टी होती है, अगर कहीं बढ़िया चीज बनी है तो आप चार तंदूरी के बजाय पांच तंदूरी खा जाते हो। खाना तो सरल है, लेकिन पचाएगा कौन, कभी आपने सोचा? किसी ने सोचा हो तो बताओ। खाना सरल नहीं है, पचाएगा कौन? प्रमोद जी कौन बचाएगा? बचाएंगे ठाकुर तुम्हारे नाम पेट की चक्की को पीसते। ये चक्की इतनी बड़ी नहीं, बटन दबाया घर घर कर आटा बाहर का नहीं, पूरी रात पीसते हैं, पीसी पीसी पीसी, और पीस करके तुम्हारे सुप्राता उठ करके बलमूत्र का त्याग करते हो तुम, तब जाकर फ्रेश कहते फ्रेश हो आया। फ्रेश का मतलब क्या है? या फिर से जी गए, मरे थे रात भर मर गए थे, कोई पता नहीं घड़ी कौन ले गया, मोबाइल कौन ले गया। और वही प्रैक्टिस कर लो, यही मरना है कि तुम्हारा कोई चीज उठा ले जाए, सोते में तो पता नहीं लगता, ऐसे जब मर जाओगे तो तुम्हारी कोई चीज पता नहीं लगेगी कौन उठा ले जाए। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करते जाओ, एक तरह से सोते रहो। और एक चीज और सोच लो, तुम्हारे रहने से तुम्हारे ना रहने से कोई काम रुकता नहीं है। और सच कहूंगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि सत्यम कुर्यात प्रियम कुर्यात न सत्यम कुर्यात, इतना सत्य मत बोलो जो दूसरे करवा लग जाए। लेकिन मैं आपसे छोटी सी बात कहूंगा, बुरा मत मानना, और बुरा लगे तो क्षमा कर देना। जिस दिन कोई गुजरता है उसी दिन शाम को दाल मखनी शुरू हो जाती है, बोलो मां के लिए हरिलाल की जय। क्योंकि अपने घर पे तो बनता नहीं, होटल से आता है भैया वो भेज देना है, इसके साथ शराब भी साथ में डाल देना, वो सब जलंधर से भी आए पंजाब से भी आए, दाल मखनी और उत्तर दो भी भेज देना, सलाह जरूर देना। पापा चले गए तब सलाद आ रही है, मम्मी चली गई सलाद आ रही है, बीबी चली गई सलाद आ रही, बेटा चला गया सलाद आ रही है। क्यों? अरे सोखता कोई नहीं, फूल मुरझा के बाद सोखता कोई कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, कौन करता साहब कोई तुम्हें याद नहीं करता, फोटो लगी रहेगी ये कौन, अगर
कहीं बंदूक हाथ मिली हो खिंचाए फोटो कहीं दादा जी बंदूक चलाते थे पापा मेरे दादा बंदूक चलाते अरे ये नकली है बेटा फोटो खिंचाए क्या रह गया पता याद कर उस दिन को जब तेरी अर्थी उठाई जा रही होगी याद कर उस दिन को जब तेरी चिता जलाई जा रही होगी कोई भी फोन पे बात नहीं करेगा जिसको बैठना बैठो ना बैठो पहले तो बता दिया गया तो बाद में कर लेना आराम से घड़ी दिखा रही तो बंद करो जाओ करो बात करो बोलो सांचे दरबार की जय कि फोन भी एक बीमारी है जहां भक्ति होगी फोन जरूर बजे कथा शुरू करो 20 फोन आने शुरू इस प्रकार संसार में आए हो तो भगवान का महाराज पंडित जी पहुंच गए गंगा के तट पर और जैसे ही मरने के लिए चले एक सन्यासी बाबा निकले किम करो विप्रा क्या कर रहे हो बोले सरकार मरने के लिए जा रहा हूं क्यों मेरे घर में संतान नहीं सरकार संतान क्या करोगे संतान राजा भेल के जैसा निकल जाए तो संतान कंस के जैसे निकल जाए तो जेल में डाल देगा मारेगा ऊपर से फिर तब जाते क्या कहा आप निर्म तुम तेरे कथावाचक ब्रह्मचारी सन्यासी आदमी हम है कथावाचक हम गृहस्थी कथावाचक जिस समय थके मांगे आओ बेटा पापा पापा कहकर लिपट जाता है ना सारी फैक्ट्री की टेंशन फैक्ट्री में धरी रह जाती है मन प्रसन्न हो जाता है तुम तो कथा 18 पुराण की कथा मैं भी मंच पर बढ़िया सुंदर सुनाता हूँ लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार आज याद आती है कि मेरे पास कोई बेटा होता तो वो भी भागवत आगे सुनाता मेरी भी पीढ़ी चलती इसी के लिए संतान चाहता हूँ महाराज जी ने खूब समझाया नहीं समझे तो जब कहा कि देखा तो मस्तक पर लिखा था सत्ता जन्म अवध पुत्र नहीं उचा नहीं उचा तेरे एक जन्म में नहीं 7 जन्मों तक बालक नहीं होगा सत्ता जन्म अवध तेरे एक जन्म में नहीं 7 जन्म तक बेटा नहीं तेरे किसी अच्छा बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मेरा बेटा है जिसके बेटा नहीं है वो क्यों नहीं ले आता वो भी तो पति पत्नी है बेटा क्यों नहीं ले आता तुम्हारे से कुछ भी नहीं आएगा जो आएगा कृष्ण की कृपा से आएगा और किसी की कृपा से नहीं आएगा बेटा मिलेगा तो उसकी कृपा से पत्नी अच्छी मिलेगी तो उसकी कृपा से मैं तो आत्मदेव जैसी पत्नी मिल जाएगी दिन भर गड़बड़ गड़बड़ जिंदगी भी गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी दुश्मन मिले सवेरे सवेरे हमारे मैनेजर साहब कहते मतलब भी यार ना मिले तो चाहे शादी ना हो जन्म भर लेकिन करकसा ना आ जाए अगर नारी वैसी मिल गई धुंधली की जैसी तो जीवन समाप्त फल को दिया ये ले जाओ अपनी श्रीमती जी को खिलाना तुम्हारे घर में संतान चले लेकर के आए पत्नी को अरे सुनती हो अब और कोई पत्नी होती सरल होती तो कहती आओ जी आओ कहाँ क्यों बुला रहे थे वो बोली अरे काहे बंगला काट रहे हो क्या बात है गला क्यों फोड़ रहे हो बोलो ना अरे बोली ये संत की प्रसादी है इसको ग्रहण करो संत की प्रसादी ग्रहण करो ये संत दिव्य हमारे घर बेटा आएगा बेटा आजकल बाबा लोग पता नहीं क्या खिलाते बोलो जय श्री कृष्ण हैं प्रमोद जी आजकल बाबा लोग पता नहीं क्या खिलाते बोले संत की प्रसादी है अब कोई बाबा लोग कुछ दे दिए तो अपने बस में कर लिए तो बोलो जय श्री कृष्ण ना ना बाबा ना रखो रखो और कोई पति होता तो लेकिन आत्मदेव जी सरल है बोले खा लेना है तो बोले रख दो रखो खा लूंगी मनाएगी बर्तन धो लूंगी खाऊंगी रख दिया पड़ोसन को बुलाया जैसे रोगी को भाव वैसे बदलो पड़ोसन भी अच्छी मिल गई
तेरे तो बालक है ही, कैसा महसूस होता है? अरे बोले पूछो ना बहन, दोबारा जन्म होता है स्त्री का, जब बालक का जन्म होता प्रसूत हो दुखतारुण, जीवन में बालक का जन्म हुआ मानो माता मर गई, दोबारा उसका जन्म होता है। अच्छा इतना दुख होता है, मानो मर गई। अच्छा फिर ते अल्पाहार, बोले भोजन कम हो जाए, चार रोटी होगी तो अच्छा, मैं तो मोटी ताजी हूँ, मैं तो पतली हो जाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी ये भर क्या। और बहन एक बात बताऊं, हो ना सके घर में आग लग जाए तो भाग भी नहीं पाएगी, तो जल के मर जाएगी। अब बोली अब तो और नहीं खाऊंगी। बोली एक काम कर, अपनी बहन को बोला ले, उसके 10 बच्चे हैं, 9 जन बच्चे हैं, 10वां पेट में है, उसी को गोद ले ले, चक्कर से बच्चा। तो ये प्रसादी क्या करूं जो तुम्हारे जीजा लाए हैं, तो बोले इसको क्या गाय को खिला दो, परीक्षण भी हो जाएगा। तो हाँ ये ठीक है, गौ माता को ले जा करके खिला दिया। और महाराज अपने पेट पर कपड़ा बांध लिया, ऐसे पंडित जी को बता, सर अरे पंडित जी बता, बोले महाराज गुरु जी की प्रसादी काम कर गई। पंडित जी बोले अब तो भगवान बेटा होगा मेरे घर, थोड़ा सा और कपड़ा बढ़ा दिया, एक दिन तकिया बांध लिया लेट के। अब पंडित जी बेचारे थाली लेकर के खाना बना के पंडाली को ये थोड़ा सा साग, ये पनीर के पकौड़े, पंडाली जी की खूब सेवा हो रही, पंडित जी बेचारे को नहीं पता तकिया बना, खूब सेवा हो रही। साग समय बीतता गया, जैसे बालक ने जन्म लिया, लेकर के आई, बालक को दिया और कहा बहन, मैंने कहा था ना तेरे 9 बच्चों की पूरा पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं दूंगी, ये रहा 10 लाख का चेक, जा तेरे घर में किसी के पास टी-शर्ट नहीं, किसी के पास पैंट नहीं, पैसे है नहीं तेरे पास, मेरे पास पैसे तो बेटा नहीं, तूने ये बेटा दिया ना, ये 10 लाख का चेक, अपने बच्चों को खूब बढ़िया कपड़े खरीद पढ़ा जाता। शोर मचा दिया, बालक का जन्म हो गया, बालक का जन्म हो गया, बच्चा रोने लगा, पंडित जी लगे नाचने, नाच नाच के खूब गा रहे, एक एक लाइन कहते हुए समय को देखते हुए अपनी बारी को एक बार विश्राम। अरे बधैया बाजे आगने में, बधैया बाजे आगने में, बधैया आगे में हो, आगे में आगे में हो, आगे में बधैया बाजे, आगे में बधैया बाजे, आगे में। और पंडित जी लुटावे अनधन सुनवा, पंडित जी लुटावे अनधन सुनवा, अनधन सुनवा हो, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा हो, अनधन सुनवा। और पंडित जी नाचे आंगने में, पंडित जी नाचे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बड़ी बधाई बची धूमधाम से, और महाराज यही दोनों बच्चे बड़े हुए। नामकरण का दिन आया, क्या नाम रखा? मेरा नाम धासे है, मेरे बच्चे का नाम भी धासे होना चाहिए, आजकल फैशन है। मम्मी जो कपड़ा पहन रही, पापा पहन नीला, पापा तो नीला, राजे दिया बंदा, तो 20 नंबर वाली भाभी भी देखो है, नीला पापा तो नीला बेटा, नीला नीली सैनिक, नीला काजल, नीला, बोलो जय श्री कृष्ण। यानी क्या मैचिंग। तो मेरा नाम धू, हाँ मेरा नाम धू, तो मेरे बेटे का नाम भी धासे होना चाहिए। नाम रखा मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम रख दिया मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। क्या नाम? धुंधकारी। पंडित जी ने 3 महीने बाद गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया, कान तो गाय के जैसे, बाकी शरीर बुरा है,
स्वरूप देव हो बनकर के आए, ये संत की प्रसादी है साहब। इसीलिए कहता हूं शास्त्र में लिखा है कि बालक का जन्म ही हो तो रीति के अनुसार हो। कई लोग कहते हैं हमारे बेटा नहीं, कैसे नहीं बेटा है, आपने पढ़ा नहीं, किसी से पूछा नहीं। हमसे पूछ लेते हैं, प्रमोद जी से पूछ लेते, तिवारी जी से पूछ लेते, भागवत में सब लिखा है, भागवत जी से पूछ लेते, नेट पर लिखा है सब पूछ लेते। युगम रात्रि, क्या युगम रात्रि, दो चार छ आठ दस बारह चौदह बेटा होगा, एक तीन छ नौ ग्यारह तेरह बेटी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। समझ में आया, खुल्ला मैं नहीं समझा सकता, मैं फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। जो स्टार किसी में है, जोड़े में बेटा उत्पन्न होगा, दो तारीख चार तारीख छह तारीख आठ तारीख दस तारीख को बैठाओ ना दादी, क्यों करो करो क्या कर रहे हैं बैठो, आप ही गाना में बैठो, पहले कला को जान लो। वाह वाह वाह, यहाँ नहीं, अरे ऊपर नहीं, व्यास पीठ पे नहीं दादा, मेरे माता बोलो सर। इस प्रकार महाराज गोकर्णों पंडितों ज्ञानी द्वंदकारी महाखला उन्नीस प्रवृत्ति का हुआ, और महाराज धीरे धीरे अपनी माँ से पैसे मांगता। गोकर्ण जी महापंडित हुए, चोरी करता, लेकिन नहीं महाराज माँ पैसे देती, जब खत्म हो गया चीज गहना दे दिया, वो भी खत्म, एक दिन नहीं दिया, एक लाख प्रहार किया, लताहार प्रहार, एक लाख से मारा, तो आत्मदेव जी बेचारे दुखी हुए, और गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान दिया। ये ज्ञान कल आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इतनी जल्दी सुनाने वाला गोकर्ण का ज्ञान नहीं है। गोकर्ण जी ने जो ज्ञान दिया वो श्लोकों में वर्णित है, इसलिए श्लोकों को व्याख्या करना, श्लोकों के द्वारा सुनिएगा। अस्ति मास रुद्रे से शुरू है और चारों श्लोकों का प्रतिपादन होगा, तो कल जो है यहाँ से कथा प्रारंभ होगी। आज कथा को यहीं पर विश्राम देता हूं, लेकिन बस तरते ये है, शर्मा जी का इशारा हो रहा है कि लाइव चल रहा है, तो इसी प्रकार धुंधकारी जो अधर्म के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध चलता है उसका अंत बुरा होता है। धुंधकारी का अंत बुरा हुआ, गोकर्ण जी महापंडित हुए, विद्वान हुए, उनको शास्त्र पांचपुरी गांव वालों के साथ विमान आकर के परम धाम की प्राप्ति हुई। ऐसे ही भगवान सबको परम धाम की प्राप्ति करावें और धुंधकारी की भी मुक्ति हो। कल धुंधकारी का पूजन और विधवत जो है उसका आगमन, तो कल की कथा में श्रवण करेंगे। बोलो सांचे दरबार की, कथा का समय तीन से, ठीक है, आज भी कथा आपके समय से है। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया जन्म में आधा घंटा फालतू लगता है, रुक्मणी विवाह में आधा घंटा फालतू लगता है, गोवर्धन पूजा में आधा घंटा, और सुदामा चरित्र में एक घंटा डेढ़ घंटा फालतू लगता है। क्या लगता है? कन्हैया जन्म में आधा घंटा, रुक्मणी विवाह में आधा घंटा, गोवर्धन पूजा में आधा घंटा, और सुदामा चरित्र में एक डेढ़ घंटा, क्योंकि टीका भी होता है, व्यास की विदाई होती है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला,
हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन पुनी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल मधुपंत को सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मधुपंत को सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हे तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हे तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हे तारती पापियों को पाप से हे तारती पापियों को पाप से हे तारती।